एक दिन सिंड्रेला ने जंगल के वीरान गोशे में एक बहुत ही अजीब सी चीज देखी। जब वो उसके करीब पहुँची तो उसने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा सा अंडा था जो कि टूटने वाला था। अरे, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा अंडा कभी नहीं देखा। सिंड्रेला ने अंडे के इर्द गिर्द घूम के देखा कि कोई इसका मालिक है या नहीं, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। ये मुर्गी का अंडा तो नहीं हो सकता, और ना ही ये किसी परिंदे का है। उसी दौरान सिंड्रेला ने अंडे के टूटने की आवाज सुनी। अंडे का ऊपर वाला हिस्सा टूटकर नीचे जमीन पर गिर गया। जब सिंड्रेला हैरत से उस अंडे के अंदर देख रही थी तो उसके अंदर से एक डायनासोर का बच्चा बाहर निकला। हाँ? ये क्या, ये तो डायनासोर है, और वो भी एक बेबी डायनासोर। डायनासोर का बच्चा सिंड्रेला को तजस्सुस भरी नजरों से देख रहा था। सिंड्रेला पहले बहुत खौफजदा थी, फिर उसने अपना हाथ प्यार से उस डायनासोर के बच्चे की तरफ बढ़ाया। डायनासोर का बच्चा अपना सर सिंड्रेला के हाथ के नीचे ले आया क्योंकि वो उससे प्यार करवाना चाहता था। तुम कितने प्यारे हो। फिर वो छलांग लगाकर अंडे के खोल से बाहर निकल आया और वो छोटे छोटे पौधे खाने लगा जो उसके सामने थे। बेबी डायनासोर, मैं नहीं जानती तुम यहाँ कैसे और क्यों आए हो, लेकिन मुझे तुम्हारी अम्मी को ढूंढना होगा। इसी दौरान सालिम चुड़ैल जैना के मुख पर उल्लू ने ये सब देखा और फौरन वहाँ से उड़ के चला गया। वो गुस्से से जैना के पास आया जो जादुई देगची में जादू का अमल कर रही थी। फिर उस उल्लू ने जैना के कंधे पर बैठकर उसे वो हर चीज बताई जो उसने वहाँ पर देखी थी। क्या? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा, एक डायनासोर है? वो भी उस सिंड्रेला के पास? मुझे उस डायनासोर का दांत चाहिए, तुम समझ रहे हो ना? मैं उस दांत से अपना लफारी जादू कर सकती हूँ। जब जैना डायनासोर को पकड़ने का मंसूबा बना रही थी, उस वक्त सिंड्रेला और डायनासोर का बच्चा महल की तरफ जा रहे थे। मैं ये सोच रही थी, अगर पहले मैं तुम्हें महल लेकर जाऊं, तो कहीं वो तुम्हें देखकर डर ना जाएं। ये बात सच है कि डायनासोर का बच्चा बहुत ही प्यारा था, लेकिन वो हर वक्त भूखा ही रहता था। वो अपने रास्ते में नजर आने वाले हर एक पौधे को एक ही लुकमे में खा जाता था और खाते ही बड़ा हो जाता। अरे वाह, तुम तो कुछ ज्यादा ही जल्दी बड़े हो रहे हो। अगर इस तरह बढ़ते रहे तो जंगल के सारे दरख्त और फल खा जाओगे। डायनासोर के बच्चे ने सेब का दरख्त देखा और उसकी तरफ भागा, और जैसे ही उसने दरख्त को पूरी ताकत के साथ हिलाया तो सारे सेब जमीन पे आ गिरे। जैसे जैसे डायनासोर वो सेब खाने लगा, वो बड़े से और बड़ा होने लगा। वो सिंड्रेला से भी दो गुना ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ, मेरे ख्याल से मुझे लाया बेल से मदद मांगनी चाहिए। जब डायनासोर सेब खा रहा था तो सिंड्रेला अखरोट के दरख्त के पास चली गई, जो वहाँ से थोड़े ही फासले पे था, और दरख्त को हाथ लगाकर अच्छी परी को पुकारने लगी। लाया बेल, लाया बेल, तुम जिधर भी हो सामने आ जाओ। और उसी वक्त उसके आसपास एक रोशनी चमकी और लाया बेल उसके सामने आ गई। लाया बेल, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ, क्यों नहीं सिंड्रेला, बताओ तुम्हें मेरी किस तरह की मदद चाहिए। सिंड्रेला ने पीछे उस डायनासोर की तरफ इशारा किया। लाया बेल को उसे देखकर बहुत हैरानगी हुई। ये नामुमकिन है, हमें इस डायनासोर को इसके वक्त में वापस भेजना होगा जहाँ इसकी अपनी दुनिया है। डायनासोर की अपनी दुनिया, सच में? हाँ, वरना ये बहुत ही तेजी से बढ़ता रहेगा, और साथ ही साथ हमें उन लोगों से महफूज रखना होगा जो इसे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन हम इसे वापसी इसके वक्त में कैसे भेजेंगे? अच्छी परी लाया बेल ने अपनी जादुई छड़ी को 3 दफा घुमाया और जंगल के बीचों बीच एक टाइम पोर्टल खोल दिया। सिंड्रेला ने जल्दी से कुछ सेब उठाए और डायनासोर को उस पोर्टल की जानिब ले जाने की कोशिश करने लगी। मैं इस टाइम पोर्टल को कुछ ही देर के लिए खुला रख सकती हूँ, तो सिंड्रेला मेरी दोस्त, तुम्हें जल्दी करना होगा। लेकिन उसी वक्त
ज़ैना जादू की गेंद में सिंड्रेला के सामने नमूदार हो गई। रुक जाओ, डायनासोर मेरे साथ जाएगा। हाँ, नहीं, तुम जैसी बुरी चुड़ैलों को इससे दूर रहना चाहिए। सिंड्रेला ने ज़ैना की बात ना सुनकर डायनासोर को टाइम पोर्टल की तरफ ले जाने की कोशिश की और दूसरी तरफ ज़ैना ने जादुई रस्सी को अपनी कलाई में बांधा और डायनासोर की दुम के गेट उस रस्सी को फेंका। उसी वक्त ज़ैना के उल्लू ने लाया बैल के हाथों से जादुई छड़ी छीन ली। नहीं, वो मुझे वापस करो, वरना टाइम पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उल्लू ने अच्छी परी की बात को नजरअंदाज करके वो छड़ी ज़ैना के हाथ में पकड़ा दी। तो अब तुम क्या करोगी सिंड्रेला? ज़ैना जादुई रस्सी से डायनासोर को अपनी तरफ खींच रही थी और साथ ही लाया बैल की जादू छड़ी से उस टाइम पोर्टल को बंद करने की कोशिश कर रही थी। अपने आप को रोकने की कोशिश करो, मत जाओ, थोड़ी हिम्मत करो। जैसे ही डायनासोर आहिस्ता आहिस्ता ज़ैना के करीब पहुंच रहा था, एक जोरदार और अजीब सी आवाज टाइम पोर्टल के अंदर से सुनाई दी। हाँ, ये कैसी अजीब आवाज है? क्या हो रहा है? ये अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये तो डायनासोर का गाना है। डायनासोर की माँ अपने बच्चों को बुलाने के लिए ऐसे ही गाने गाती हैं। ये आवाज भी टाइम पोर्टल के दूसरी तरफ से आ रही है। जब डायनासोर के बच्चे ने अपनी माँ की आवाज सुनी तो उस रास्ते की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया और ज़ैना की जादुई रस्सी की वजह से उसे भी उसके साथ जाना पड़ा। रुक जाओ, डायनासोर तुम कहाँ जा रहे हो? और इस तरह वो डायनासोर का बच्चा और वो चुड़ैल ज़ैना टाइम पोर्टल के अंदर चले गए जो कुछ देर में बंद होने वाला था। वो दोनों डायनासोर की दुनिया में पहुंच गए थे। पीछे से उन्हें देखने वाली सिंड्रेला और लाया बैल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। हमने कर दिया, आखिरकार बेबी डायनासोर अपने घर पहुंच गया है। हाँ, लेकिन अकेला नहीं गया। जब ज़ैना ने खुद को डायनासोर की दुनिया में पाया तो पहले तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई क्योंकि उसने अपने आस पास डायनासोर के दांत देख लिए थे। डायनासोर का दांत, लफारी जादू, मेरा इंतजार करो। लेकिन उसको वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि वो रास्ता तो बंद हो चुका था। मैं वापस कैसे जाऊंगी? नहीं, मदद करो, मैं यहाँ जादू नहीं कर सकती, ये नामुमकिन है। ज़ैना ने जब ये गौर किया कि डायनासोर की माँ उसकी तरफ आ रही है तो उसने डर के मारे भागना शुरू कर दिया। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे दांत नहीं चाहिए। डायनासोर का बच्चा अपनी दुनिया में वापस पहुँच गया था। लाया बैल भी परियों की जमीन पे वापस चली गई थी और सिंड्रेला भी अपने महल में वापस आ गई क्योंकि हर कोई अपने प्यारों के साथ ही खुश रह सकता है।